बोकारो के डीसी कार्यालय स्थित निर्वाचन शाखा में आग लगने से लाखों रुपए के उपकरण और कई आवश्यक विभागीय कागजात जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बोकारो उपायुक्त समेत कई अधिकारी पहुंचे। अग्निशमन की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। मौके पर पहुंचे अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। जो आग लगी है डीसी ऑफिस में, कैसे क्या घटना सर घटा है? अभी सभी हम लोग थे ऑफिस में ही, अचानक सूचना प्राप्त हुई कि निर्वाचन कार्यालय में बहुत धुआं उठ रहा है। इमीडिएटली डीसी मैम के नेतृत्व में सभी लोग वहां गए और फिर फायर डिपार्टमेंट, फायर की गाड़ी, एम्बुलेंस, मेडिकल टीम सभी लोग मौके पर पहुंचे। अभी आग पर काबू पाया जा चुका है, आप लोग भी ऊपर देखे हैं। अब थोड़ा स्मॉग है, वो हट जा रहा है। फिर अभी थोड़ा क्या क्या नुकसान हुआ है ये अभी दिख नहीं रहा है कुछ। अभी किस चीज़